नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों जियो यहां पर बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी आप लोग के लिए लेकर आया है। अगर आप एक जियो सिम यूज़र हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी प्राउड फील होने वाला है। ना कि सिर्फ जियो, अगर आप एयरटेल वी या बीएसएनएल का भी सिम यूज़ करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रिलायंस जियो की, तो रिलायंस जियो की दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है, जहाँ पर इस न्यूज़ को सुनने के बाद सभी जियो यूज़र काफ़ी प्राउड फील करने वाले हैं। बेसिकली ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नवंबर 2023 की आप कह सकते हो एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि किस ऑपरेटर ने ज़्यादा ज़बरदस्त आप कह सकते हो अपनी सर्विस को प्रोवाइड किया है और अपनी तरफ कस्टमर्स को यहाँ पर जो है वो अट्रैक्ट किया है। तो जियो यहाँ पर नंबर वन निकल कर आया है। जियो काफ़ी महीनों से नंबर वन आ रहा है, ऐसे में नंबर्स का जानना हमारा और आपका बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली जियो ने दोस्तों यहां पर जो ऐड किए हैं वो किए 34.5 लाख मोबाइल सब्सक्राइबर्स इन नवंबर, मतलब ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार 34.5 लाख सब्सक्राइबर यहां पर जो है वो नए जुड़े हैं जियो से, जो कि आप कह सकते हो एक जबरदस्त नंबर निकल कर आता है। वहीं अगर हम कंपेयर करते हैं भारतीय एयरटेल से, तो भारतीय एयरटेल ने भी दोस्तों यहां पर जो है वो सब्सक्राइबर गेन किए, 17.5 लाख सब्सक्राइबर नए जुड़े हैं यहां पर नवंबर मंथ में अकॉर्डिंग टू ट्राई रिपोर्ट। वहीं अगर हम बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की, तो वोडाफोन आइडिया कंटिन्यूअसली आप कह सकते हो जो उनको सब्सक्राइबर जो है उनके वो छोड़ के जाते जा रहे हैं, और ऐसे अगर चलता रहा तो जियो तो और एयरटेल तो चलो गेन कर रहे हैं सब्सक्राइबर, लेकिन वी अगर ऐसे कंटिन्यूअसली लॉस करता गया सब्सक्राइबर तो एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर वी को अपनी कंपनी चलाने में भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो वोडाफोन आइडिया ने लॉस किए हैं 10.7 लाख सब्सक्राइबर नवंबर के अंदर। तो ओवरऑल यहाँ पर जो उनका पूरा टोटल सब्सक्राइबर जो आप कह सकते हो काउंट बन जाता है वो 22.44 करोड़ बन जाता है नवंबर में अगर देखा जाए। वहीं जियो ने दोस्तों यहाँ पर ऐड किए हैं, तो जियो का आफ्टर ऐड 34.47 लाख सब्सक्राइबर यहाँ पर टोटल जो सब्सक्राइबर बेस है वो निकल कर आता है 45.58 करोड़। वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पर आप कह सकते हो एयरटेल की, तो एयरटेल ने भी दोस्तों यहाँ पर जो सब्सक्राइबर है वो ऐड किया है 17.47 लाख सब्सक्राइबर, इनका जो टोटल काउंट निकल कर आता है ऑल सब्सक्राइबर बेस का तो 37.98 करोड़ निकल कर आता है। वहीं अगर हम बात करते हैं बीएसएनएल की भी, तो बीएसएनएल ने भी दोस्तों यहाँ पर जो है वो सब्सक्राइबर सिर्फ गंवाए हैं, बीएसएनएल ने भी यहाँ पर सब्सक्राइबर्स को ऐड नहीं किया है नवंबर मंथ में। अब आप कमेंट करके बताओ दोस्तों, अगर आपसे अगर पूछा जाए आप अभी किस कंपनी को यहाँ पर जो है वो पसंद करोगे, मतलब किस कंपनी का सिम जो है वो यूज़ करना पसंद करोगे, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि मैं रोजाना से रोज लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल कहते हैं जय हिंद वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।